धर्मशाला में फोर लेन परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे सांसद शांता कुमार ने कहा कि 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मनाए जाने वाले उत्सव के दौरान हम चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और फोर लेन का शिलान्यास हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है और वे भी जाकर सभी औपचारिकताओं पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि फोर लेन बारे सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री के हाथों इसका भी शिलान्यास करवाया जा सके। पठानकोट मंडी फोर लेन की बैठक से पूर्व शांता कुमार ने प्रख्यात लोक गायक प्रताप चंद शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार की ओर से प्रताप चंद शर्मा के परिवार को 1,00,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई है। उन्होंने देहरा बचत भवन का नाम प्रताप चंद भवन करने की घोषणा भी की। शांता कुमार धर्मशाला में उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित त्रिगत उत्सव समापन समारोह एवं प्रताप चंद शर्मा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने स्वर्गीय प्रताप चंद शर्मा के चित्र पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। उपायुक्त संदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी एवं उपस्थित लोगों ने भी प्रताप चंद शर्मा के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शांता कुमार ने कहा कि जो देश अपनी कला एवं साहित्य को अधिक सम्मान देते हैं उनके जड़ें और मजबूत होती हैं। कला संस्कृति के बिना देश समाज रूखा और सूखा और बंजर हो जाता है। उन्होंने कहा कि धरती से जुड़े साहित्यकारों कलाकारों का अधिक ध्यान रखना चाहिए। आज ये बैठक थी जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी जिला देशमुख। उद्देश्य ये था कि जो बड़ा महत्वपूर्ण परियोजना चल रही है इसमें कहाँ कहाँ क्या कमी है, कितना काम हो गया है, तो बहुत बढ़िया समीक्षा होगी। मैं समीक्षा के बाद बहुत संतुष्ट हूं कि सभी अधिकारी अपने अपने स्थान पर पूरा काम कर रहे हैं। हमारी इच्छा ये है कि 27 तारीख को जब सरकार का एक वर्ष पूरा हो रहा है तो अभी निर्णय नहीं हुआ, लेकिन हमने ये निवेदन किया है मुख्यमंत्री महोदय से कि वो 27 तारीख एक वर्ष पूरा होने का जो उत्सव है तो धर्मशाला में मनाया जाए और उसी दिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो और उसी दिन ये जो पठानकोट मंडी फोर लेन परियोजना है इसका भी शिलान्यास हो। उसी दृष्टि से आज ये बैठक थी कि शिलान्यास करने के लिए किसी प्रकार की कोई औपचारिकता बाकी तो नहीं है, तो आज यहाँ मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि 27 दिसंबर तक सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी और हम शिलान्यास कर सकेंगे। सर, लैंड एक्विजिशन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, लोग जो है वो आपके पास भी पहुंच रहे थे और बहुत सारे लोग एजुकेशन की बात भी कर रहे थे, तो क्या उनको मान मनौती वगैरह होगी? देखिए, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। फोर लेन का जो काम है, सड़क यहाँ से निकल गया, मेरा घर आ रहा है, इसको इधर से कर दो, इस प्रकार की बहुत सी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से सबसे मिल करके जहाँ जहाँ जो बदल हो सकता था वो किया है। लेकिन देखिए, नेशनल हाईवे बनेगी, सड़क तो जमीन पर बनेगी और जमीन में अगर कहीं मेरा घर आता है उसको तो इधर उधर करना पड़ेगा, लेकिन जितना संभव हुआ है प्रशासन ने मिल करके लोगों को सुविधा देने की कोशिश की।